क्या हुआ बा? चिराग ना बापूजी, सामरो। राशिब, फेंक दो इसे, तुमसे नहीं होगा। वो रहे, देव की पहचाना नहीं? अरे तू तो एकदम अपने दादाजी सरखा लगे छे। वाह, ये सब आपके लिए किया है। बाकी और एक इच्छा। चलिए बा, मेरे साथ। पन कहां? कहां? मैं आपको वो दिन वापस से याद दिलाना चाहता हूं। चलिए बा। कैसी लगी? चलिए बा, बैठिए। एक मिनट। आराम से बा, संभल के चलो। बाकी ये विश तो पूरी हुई। अरे आप लोग आ गए? मैं जब से यही सोचा था कि आप लोग रह कहां गए। अरे वाह, लगता है दोनों साथ में बेस्ट एंड बेस्ट शॉपिंग करने गए थे। नहीं नारे, मैं इसके साथ खरीदी करने क्यों जाऊं? हाँ, मैं तो ओल्ड मार्केट गई थी इस बुटीक में, और मैं भी गई थी न्यू मार्केट में, वही बुटीक की जो नई ब्रांच खुली है। कितने सारे न्यू कलेक्शन है वहां पर। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि इतने वर्षों के बाद मैं मोटरसाइकिल पर बैठी हूं। पंडाल में सिर्फ मैं ही मैं नजर आऊंगी।
सफाई को बताती है। I'm sure, जल के खाक हो जाएंगे। अरे वाह फई, आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, एकदम सरस, बहुत सुंदर लग रही है उसमें। हाँ ना, मने तो लागे छे कि इस बार सर्वश्रेष्ठ ड्रेस का पुरस्कार मने ज मल छे। नक्की, पक्का। अरे वाह किंजल जी, आपकी ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है। सच कहूं तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं, एकदम बेस्ट एंड बेस्ट। सच्ची एक बात कहूं भाई, किंजल जी और आपकी पसंद एक से बढ़कर एक है, कोई जवाब नहीं। जवाब तो इस घिसी पिटी पुरानी डिजाइन का नहीं है धवल दिकरा। बेचारी भाई, आंखें कमजोर हो गई है ना, क्योंकि जिसे वो ओल्ड डिजाइन कह रही है उसे क्लासिक कलेक्शन कहते हैं। ऊंचे लोगों की पसंद, फैशन की समझ, आई मीन स्टाइल समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आप बने रहिए दिवाली का पटाखा। सांभर महारानी, ये जो घाघरा चोली तूने पहनी है ना, वो भी तेरे मॉडलिंग के जमाने की है, जिसका तूने विज्ञापन किया था। सही, जाने दीजिए, आप नाराज मत होइए, आपकी साड़ी सच में बहुत सरस लग रही है। चुप कर, चोरू का गुलाब। साथ